భవం మందా సభీ కో దేఖే సబ్ బోల్ రహే హై బస్ మేరే సభీ మాతా సమాన యహాన్ బైఠీ హై మేరే బహన్ మేరే భాయి కే సమాన మేరే మిత్ర కే సమాన ప్రభు కా గుణగాన కర్నే వాలే దోనో శ్యామ్ మైం భీ ఆప్కా అప్నా హూం ఇసీ మంత్ర కో మైం భీ బోల్తా హూం ఏక్ బార్ ధ్యాన్ సే సునియే సిర్ఫ్ బస్ ఇత్తీ నివేదన హై ఇసీ మంత్ర కో ఏక్ బార్ ధ్యాన్ సే సునియే బోలూ బోలూ ఇసీ మంత్ర కో వాపస్ బోలూ క్యా బోలియే నే కౌన్ కౌన్ చాహతా హై కి ఇస్ మంత్ర కో మైం భీ బోలూ దోనో భాయి సాహబ్ నీ చాహతే ఆప్ చాహతే హో ఇసీ మంత్ర కో మైం బోలూ తో ఫిర్ బతా హాత్ ఊపర్ కరో హాబీ మైం చాహతా హూం బోల్ రా మహారాజ్ కవార్ కీ దేఖియే బినా కర్పూర్ ఆర్తీ కే ఉస్కే పహలే జో ఆర్తీ హోతీ హై ఉస్కా ఫల్ మిల్తా నహీ జైసే ఆప్నే కిసీ కో కుచ్ దియా హై ఔర్ అగర్ వో చార్ జనో మే బఖాన్ కర్ దియా తో ఉస్కా పుణ్య ఫల్ నష్ట్ హోతా హై ఐసే హీ आरती के बाद अगर कर्पूर आरती नहीं की नहीं स्मरण किया तो की हुई आरती का फल नहीं मिलता। इसलिए कपूर आरती की प्रथा है, सदियों से चली आ रही है। आपके पिता, आपके दादा, मेरे दादा परदादा भी करते थे, उनको देखकर मैं कर रहा हूं, आपको देखकर आपके बच्चे करेंगे, आपकी पीढ़ियां करती रहेंगी, क्योंकि उसके बिना उसका फल अधूरा है। नंबर दो, बोलते समय कर्पूर आपने क्या बोले वो आपको पता है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे భవం భవానీ సహితం నమామి మందారమాలా కలితాలకాయై కృపాలమాలాంకిత శేఖరాయ దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయై నమః శివాయై చ నమః శివాయ। ये उसका सरल सरल साधा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो मार्क्स काटता है, जांच करने वाला स्पेलिंग मिस्टेक में मार्क्स कम देता है, वरना उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाई, इसीलिए 98.10% भी मार्क मिलते हैं, क्योंकि वो एकदम राइट रहता है। ऐसे ही ये स्तुति नहीं, ये कपूर जलाने की प्रक्रिया नहीं है। बहुत से बोलते हैं कपूर जला दो, कपूर जला, कपूर कपूर क्यों जला रहे हो? पहले तो ये है कि कपूर जलाया क्यों जा रहा है। कपूर ही एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर किसी भी तरह के विषाणुओं को नाश करने की शक्ति है। कपूर क्या, आप लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट कर लीजिए, कपूर की विशेषता आपको पता चल जाएगी। किसी वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को पूछिए, आपको पता चल जाएगा। नेट पर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके पीछे का भाव वो सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों को ही पता था। आज जांच हुई है, आज परीक्षा नलिया निकली है जांच करने की, लेकिन कपूर जलाने की प्रक्रिया बरसों से, सदियों से चल रही है, क्योंकि वो जानते थे। और उसमें जो भाव छिपा है वो मैं आपके सामने ले रहा हूं, बस एक मिनट में लूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे भगवान भोलेनाथ, आरती के बाद कपूर जलाना नहीं है, कपूर तो जलाना ही है, लेकिन कपूर जब जलता है तो क्या करना है। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं भोलेनाथ, करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार है शिव, संसार सारम, सारे संसार का सार आपके अंदर है, भुजगेन्द्रहारम, आपके गले में भुजंग ने अपना हार रूप में दर्श दिया है,
सदा वसंतम, हमेशा वसंत ऋतु के समान रहने वाले भोलेनाथ। हृदया अरविंद, मेरे हृदय से मैं आपको वंदन करता हूं। भवम भवानी, मैं आपको अकेले को नहीं ऐ भोलेनाथ। भवम भवानी सहितम, मैं आपको मां पार्वती के साथ नमन करता हूं। भवम भवानी सहितम नमामि, मैं नमन करता हूं। ये उसका भर्त है। उसके बाद ही जल छिड़कना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अगर आपको मेरी बात जिनको अच्छी लगी होगी तो एक बार दोनों हाथ उठाकर सच्चे मन से जय जयकार बोलना महाराज कुमार की। बहुत अच्छी बात, आप सभी को अच्छा लगा ये देखकर, मुझे भी अच्छा लगा। आज राम सभी मित्र परिवार, एक 5 मिनट पर्चे के बाद दूसरी कथा चालू होगी। मैं 5 मिनट की अनुमति दे रहा हूँ।